मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो चाह ही रही वही लौंडिया सुबह हो जाता, पर मैंने यह मारे मना कर दी, तो मैंने तो जानू यू वहाँ की मम्मी पे लट्टू हो गए। कोई बात ना बेटा, उनकी तो आदत है मजाक करने की। अरे मजाक वजाक की आदत ना होती है, इनकी आदत ही खराब है। बेटा ऐसे कब तक रोकेगी, ब्याह तो करना ही पड़ेगा। वो बात तो ठीक है मम्मी, पर वहाँ लौंडिया पे खाना बनाना भी ना आता, घर का कुछ काम भी ना जानती। तो का होगा बेटा, तेरी गैल लगे लगे सूख जाएगी, तो पर भी ना आवे कुछ करना। पर एक बात बड़ी आई, वो लौंडिया खूब पढ़ी लिखी ही, ये दोनों तो 10वीं फेल है, अगर वो आ जाती ना तो घर सुधर जाता। पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी तो तेरे बालकन में भी दिमाग आ जाएगा। अब मेरा वहाँ घर में करने का जी ना है, इनने मेरा दिमाग खराब कर दिया, कोई और ही लौंडिया ढूंढूंगी। एक बार बालकन के पापा से बात करके देख ले, का पता मान जा मैं। मम्मी पूरी दुनिया मान सके पर इनका बाप ना मान सकता कभी भी, बता रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी काम कर लूँ, गेहूँ भी धो के सुखाने हैं। वो बालक कहाँ था ना, लग रहे होंगे कहीं लफंडरबाजी में। अरे बोल क्यों ना रे, कुछ भी बताओ तो, कहाँ देखा तूने वहाँ जाके? देखने तेरी बहू गए पर कहीं ने देखा नहीं दिया कुछ। तो उसको कही ना मैंने, एक बार मेरी बहू है आगे पीछे से घुमा फिरा के देख लियो, देख आया तू? भाई मैंने कही मम्मी सु कि नितिन भाई ने नू कही है कि बहू आगे पीछे घुमा के देख लो, मम्मी ने गैर मेरी गुद्दी पे रह बट मारा बीच इनके सामने, तेरे चक्कर में पिटा हो रू मैं, तो भरोसा ना ऐसे पूछ ले। हाँ भैया, जब चाय लेके आ रही थी ना तो आगे वो तो मस्त लग रही थी मम्मी कसम भैया, लेकिन यार घुमाया कि नहीं देख पाए। अरे ये मस्त लग रही क्या हुआ है, सारे तमीज में बोले बहू है मेरी, समझ गा? अरे तूने बता, वाने सूट पहन रखा है जींस पहन रखी? अरे भाई पहला पहला दिन है, सूट पहन के आएगी तो पूछ ही तो रहा हूँ, ऐठ क्यों रहा फिर? अरे नु बता फिर कौन सा कलर का पहन रखा है? कलर ऊपर रखो संतरी, संतरी कलर। संतरी बोला क्या, बजरंग बली की फैन होगी वो? ऐसे कैसे, संतरी कलर बजरंग बली का ही रहे? अच्छा, और फिर काले रंग का सूट पहन लिया हो तो फिर काला शनिदेव का हो जाता। भैया ये तो नासा को साइंटिस्ट ही अलग है। ओ साइंटिस्ट, तो रुक जा पहले तू बता, मैंने चप्पल पहन रखी है हील पहन रखी? चप्पल मैंने पाँव की तरफ देखा ना, मैं तो शकल ही देख रहा हूँ। शिकल देखने में लग रहा है क्या ना वहाँ? शिकल देखेंगे, नू बता काली गोरी है? भैया भाभी गोरी बहुत है यार। तो फिर ऐसे कर रहा हो तू? बाल कैसे हैं आपके? भाई बाल तो लंबे भाभी के। और यार शैम्पू खर्चा बढ़ जाएगा। ओ भैया बीएससी कर रखी है उनने, नौकरी लग जाए उनकी। कितनी भी बीएससी कर रखी हो, ब्याज जब भी हमसे होएगा। अरे तुम बता कोई बॉयफ्रेंड तो ना होगा? भाई यार चाय की ट्रे लेके आई हूँ मेरे सामने, मैं कहा देख लूँ बॉयफ्रेंड है ना है, इंस्टाग्राम थोड़ा चला रहा हूँ मैं वहाँ का। अरे यार तुम काई काम के आदमी ना हो वैसे, तुम दोनों मैंने लौंडे देखने को भेजे, अभी तक एक चीज ना बताई तुमने वहाँ के बारे में। यस बेटे, तो मैं चला जाता हूँ, पूरा स्कैन कर लेता हूँ ऊपर से नीचे तक। अब स्कैन करने से क्या फायदा, अब तो मम्मी ने मना कर दी, अब तेरा ब्याह हो गई ना वो। क्यों, अब क्यों ना हो सकता? पापा ने ड्रामे करे ना वहाँ जाके, समझन बहुत जोर के मस्तानी से पूछ काका कह रहे। हाँ भैया अंकल तो भाभी को देख ही नहीं रहे थे, मैं तो समझन को देख रहे थे, बस यही कह रहे थे समझन बहुत जोर की। फिर आंटी गुस्सा हो गई, हम चले आए। मतलब ये सारा कलेश पापा ने करवाया, यही हमारा मम्मी गुस्सा हो रही है और कहा। तो एक काम करें, जब बहू इतनी बढ़िया तो मम्मी मना लेंगे। खुशी का फोन आ रहा यार, मैं अभी आ रहा हूँ बात करके। हेलो, अरे तो हमारे सामने कर लेना। अरे भगवान की बात सुनाई जाती है, कभी किसी है? चल दे फोन आते कैसे भगले, यहाँ के सामने दिखाई नहीं देता कुछ भैया। हेलो हेलो, कैसा मेरे बेटा? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं कैसा हूँ? मैं बता रहा हूँ, तू बता मैं कैसा हूँ? अरे आप तो बहुत ही अच्छे हो। तो समझ जाओ। अच्छा तो एक बार बताऊ? हाँ बताओ। तो बताओ नितिन भाई है ना, रहने दे क्योंकि अभी मैं तो बताने शुरू करूंगा तेरी मम्मी आ जाएगी तो फोन काट देगी। अरे अब मम्मी बुलाने लगती है तो क्या करूँ, छोड़ो आप बात बताओ। मैं कह रहा हूँ नितिन भाई है ना, उनका ब्याह हो रहा। अरे वाह, कब? अभी पक्का ना हुआ बाबू, पर बहुत देखने गए हम, मजा आएगा बहुत देख के। अच्छा अपने लिए तो नहीं देखा है ना, वैसे भी भैया से ज्यादा जल्दी तो आपको है। ना ना बाबू, कैसी बात कर रही है, मेरी तो देख ही दिखाई है, मैं तो उसी करूंगा ना। पर अगर घर वाले नहीं माने तो? ऐसा कैसे ना मानेंगे, हम मनाएंगे ना बाबू, बस तो जल्दी ब्याह कर ले। पर मैं तो अभी 18 की हुई हूँ। तो यूँ तो अच्छी बात है ना बाबू, तो 18 की हुई है, 19, 20, 21 सब हमारे घर आके हुई है हमारी गैल। अरे आप भी ना अलग ही बात करते हो, वैसे कैसी बीवी चाहिए आपको? एकदम तेरे जैसी चाहिए बाबू। अरे फिर भी बताओ ना बाबू। काली कलूटी बैंगन लूटी सब चल जाएंगी, बस बॉयफ्रेंड ना होना चाहिए, क्योंकि हमने गर्लफ्रेंड ना होना आज तक। अरे वाह। हाँ बाबू, आपको पता है पापा जी कहते हैं लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अरे पापा पता भी है कुछ, लव मैरिज में आदमी अपनी बाबू से शादी करे, और अरेंज मैरिज में आदमी दूसरे की बाबू से शादी करे, तो हम तो अपनी वाली से करेंगे ना, लव मैरिज करेंगे। अरे यार आपकी तो बात ही अलग है।
अच्छा अगर शादी हो गई तो आप मेरी हेल्प तो कर दिया करोगे ना, मुझ पे कुछ नहीं आता। बाबू तू हेल्प की बात कर रही है, मैंने तो पहले से सोच रखी है हमारे घर की रसोई में चीनी का डिब्बा ऊपर टांड पे धरो, तू छोटी सी पहुंच ना पाएगी तो मैं तो गोदी में उठा के चीनी का डिब्बा उतरवा दे करूंगा। बेटा तू मेरा दिक्कत मत ले। सुनो। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ बहुत दिन हो गए तो देखे हुए, काय दिन मम्मी गैल बाजार में सब सब्जी लेने आ जा, मैं दूर से देख लूंगा, तो बस बहुत मन कर रहा था तो देखने का। अरे मन तो मेरा भी बहुत था आपसे मिलने का, पर कोई मुझे कहीं लेके ही नहीं जाता। कोई तरीका तो होगा ना बाबू? हाँ अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा मैं जाके ना अब अपना काम कर लेती हूँ, और अगर दोबारा फोन मिला ना तो मैं फिर से कर लूंगी। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात ना बाबू, तू ध्यान रखियो अपना। है हाँ ठीक है, और आप भी। ठीक है भाई, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। हे भगवान जी कितने अच्छे हो आप, एक बार रिक्वेस्ट करने पर इतनी अच्छी बात करा दी मेरी। लो पुच्ची ले लो, मेरी पुच्ची ले लो। भाई अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं यार, सादी बात अनसे नहीं होता है, जब बहू आए जाए तो लिपस्टिक साड़ी लहंगा के लिए पैसा चाहिए होता है, बहुत खर्चा है भैया। अरे मस्तानी कर लेंगे ना यार जुगाड़ कैसे भी। ऐसे नहीं भैया, भैया ऐसे नहीं भैया। अरे का नहीं है नहीं है भैया, भैया क्या कर रहा? कुछ ना डरा रहा यार यू, कि बहू आ जाए खर्चा कहाँ से चलाओगे। अच्छा जी, अरे ऐसे कहा समझ रहा हो तू भाई है? है? और वैसे पैसा कोई दिक्कत ना हुआ कब जुगाड़ है मारदा रहे। कहा जुगाड़ भाई? ऑक्टा सु मैंने अपने पैसा ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करे, वहां से मेरे आधे खर्चा कवर हो जाए, सेविंग भी हो जावे, और ऑक्टा ग्लोबली रिकॉग्नाइज और लाइसेंस वाला ब्रोकर है। अच्छा जी, पर तारी ट्रेडिंग वेडिंग सीखे कैसे है? ट्रेडिंग सीखने को मैं डेमो अकाउंट का यूज कराओ, और ऑक्टा अपने नए यूजर को एजुकेशनल मटेरियल भी प्रोवाइड करवावे, और इन्वेस्ट करने को ज्यादा पैसा की जरूरत ना हो, मात्र $20 से शुरू कर सके, और वहाँ के बाद बैंक कार्ड या किसी भी ऑप्शन से अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लो। बहुत बढ़िया यार। वाह भैया यार। हाँ और कहा, और तुम्हें अपना डिपॉजिट डबल करना हो ना तो मेरा प्रोमो कोड मृदुल यूज कर लीजिए, डिपॉजिट डबल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ो, जाके कमाना शुरू करो। मैं तो ब्याह के पैसा यही तो कमाऊंगा। अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, अब एक काम करो, जाकू पैसा कमाओगे वाकी तो बात कर लो चल के पापा सु, है यहाँ का ब्याह भी तो करवाना है, चल भाई। भाई ब्रह्म तू इतना बहुत बढ़िया आवाज कर रही है यहाँ पर, ठंड बहुत पड़ रही है यार। बस यही कह रहा हूँ भाई साहब, आपके कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खेतन पर जाने को मन ना करता। हाँ यार भाई साहब, 3-4 दिन तो तुम दिखाई नहीं दी, कहाँ गए तुम? अरे कहीं ना यार, कहाँ जाएंगे, लगा रहे जिंदगी में धक्का। अरे भाई साहब एक बात बताओ, वो बिचौले आया हुआ आदमी बालकन का रिश्ता लेके, तुम गई भी बालकन ने देखने को, कोई बात बनी आगे ना बनी? पूरा यार भ्रम तो कहाँ बताऊँ, वही तो उसका मूड खराब है, बात बढ़ते बढ़ते जो ना बिगड़ और गई। क्यों कैसे कहा वो? भाई आदमी लौंडिया देखने गए ना, लौंडिया बहुत बढ़िया यार, किसी के बालक बुराई थोड़ी ना कर सके, और बालक सबके बढ़िया ही रहे हैं, लेकिन जो बात है ना वाकई मम्मी में वो बहुत टॉप की चीज़ है भाई, जैसे कह बना समन दूर की समन दूर की समन बहुत जोर की, वाकई में घने जोर के समन है यार। तो भाई साहब समन इतनी बढ़िया, बालक इतने बढ़िया, तो फिर कर लो ना भैया, परेशानी क्या आ रही है? अरे दिक्कत कुछ ना आ रही यार भ्रम, वहाँ जाके जो ना मैंने समन की घनी तारीफ कर दी यार, कर भी देनी चाहिए जब है इतनी मलूक, तो बस यही बात पर जो ना तेरी भाभी रूस की ऐठी बैठी है, रोटी भी ना दे रही, वो रोटी में धोख धोख कर खा रहा हूँ अब। अरे तो भाई साहब इतनी जल्दी कहा रहे थे तारीफ करने की, पहले ब्याह कर लेते थे, पूरी जिंदगी पड़ी तारीफ करने को, फिर कर लेते तारीफ। और यार भ्रम तो पता तो है ही यार, मुंह पर ना रुक जाता है बढ़िया चीज देख के यार, समझा ही जोर की तो मैंने कह दी, ये हम कोई बुरी बात थोड़ी ना, कोई बढ़िया है तो वहां बताना चाहिए ना, बताओ यार सारे यार बात रूसे बैठे हैं मोजू, और वैसे भी भाई उम्र तो बचपन की हो रही है, दिल तो अभी बचपन का ही है, और जीता कराइए हमारा भी। पापा बाबू नमस्ते। हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। राम राम जी। हाँ राम राम, कौन बता अपना? अंकल जी जा कह रहे हैं ना भाई लड़की शादी करने है, जिन्हें देखने गए थे। ए ना ना ऐसा ना कह रहे पापा जी। फिर क्या कह रहे? मैं कह रहा पापा, हम भाभी देखने गए ना भाई को, तो भाभी देखने गए तो गाँव में सब लोग पूछ रहे हैं कि ब्याह कद कहो ब्याह कद कहो, कहा कहने उनसे फिर क्या रिश्ता हो पाए बात बन रही। पर पापा मौसी ये तो नु कह रहे कि वहाँ हर चीज बहुत बढ़िया लगी, और कोई कोई चीज तो बहुत जोर की भी लगी वहाँ तुम्हें। समझ रहा हूँ कहाँ जाना चाह रहा तू, पर अब ना हो सकता, ठीक है चलो। ऐसा अच्छा ना लगता पापा, किसी घर गए और बाकी लौंडे को ऐसा मना करो तो फिर सही ना लगता, समाज वाले लोग पता कहाँ कहेंगे फिर सब। और भैया मैं तो मना करना ही ना चाह रहा, थारी मम्मी कलेश कर रही है। पापा मम्मी हम समझा ले तो बात बन सके? बन जाए कोई दिक्कत ना। भाई फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है करवा लो। पर पापा फिर तुम ऐसा कोई जोर जोर काम मत करी कतई भी, और अब यहाँ तक तो मैं चू भी ना कर लगा कतई भी, एकदम साइलेंट रहूंगा, कल अपनी मम्मी से बात। ठीक है पापा ठीक है, मम्मी हम बता लेंगे, बस तुम्हें अब कुछ करना ही ना हो, चलो चलो। बहुत बढ़िया बालक भाई साहब, ये तो
अपनी जेल अपने बाप को भी ध्यान रखे ऐसी औलाद ऐसे ना मिलती भैया बात उनको। बदुल की मम्मी, ओ मृदुल की मम्मी। हाँ दीदी। अरे ठीक है तू? हाँ दीदी मैं तो ठीक ही हूँ, तुम सुनाओ कहा हुआ? अरे कुछ ना, मैं तो ऐसी तो से मिलने को आ गई। अच्छा यू बढ़िया करा, ना तो मैं तो सोच रही कि आज भी दीदी अब कुछ चाहिए होएगा। ना ना मुझे तो कुछ भी ना चाहिए, भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे पास। अब तू बता क्या कर रही है? अरे दीदी यही घर के काम हिले, कल इतनी तेज धूप निकल रही तो मैंने सोची गेहूँ धो के सुखा दूं, और देख लो आज धूप ही ना निकली। इंसान तो इंसान, भगवान भी मौसम नाराज चल रहे हैं। चल कोई बात ना, दो चार दिन में सूख जाएंगे, ना भी सूखेंगे ना तो पंखे में सुखा लीजो। हाँ अब तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, बाकी ठंड बहुत हो रही है। बैठो मैं चाय वाय बना ले रही हूँ। ए ना मैं चाय वाय ना पी रही, मैं तो फोन लगा रही, अब वो रील ना मिली, मैंने सोची ला तो रील ही ले आऊं। अच्छा तो तुम रील लेने आई हो, कौन सा रंग की चाहिए वैसे? ले देख ले, मैं तो कपड़ा भी लाई मैचिंग को। यू रंग का मुश्किल ही मिलेगा, यार रंग के लगता ना पहनती मैं। ए देख ले एक आध तो पक्का पड़ी होगी तेरे पास ऐसी। हाँ पड़ी होगी, तुमको लाई रखी होगी मैंने। ए देख देख कोई सी तो मिला, कोई सी तो मिली जाएगी। और कैसे करूं, पूरा डिब्बा तो थार सामने लाके धर दिया। अरे तेने सारे रंग भर रखे, मेरे ही मतलब को रंग ना या मैं कोई सा भी। अरे दीदी मौका सपने आ रहे कि तुम रील मांगने आओगी या रंग की। कोई बात ना, तू गुलाबी मिला दे इसमें। अरे दीदी गुलाबी कैसा चल जाएगा या मैं गुलाबी ना चले, देखियो कोई सा भी गुलाबी ना चलेगा। अरे मैं चला लूंगी। अरे दीदी तुम क्यों उल्टी सिलाई कर रही हो? अरे ना होएगा, मैं उल्टी सिलाई कर लूंगी। कोई बात ना, तुम मुझे गुलाबी दे दे। दो रुपए की रील आवे, दुकान पे जाके मैच मिला लो। अरे वो पे दो रुपए खुले होते तो ले ही ना आती, पचास का बना है, तू मुझे गुलाबी दे दे। कुछ ना तो गुलाबी लेगी। अरे आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही आंटी? कहीं ना जा रही। आंटी ने गरम चाय पी ली थी क्या? भूखी सी हो रही क्या? मम्मी तो नौ एठ रही। मम्मी हाँ बताओ। अरे यू क्या कर रही हो, गेहूं सुखा रही हो? नितिन जाके भक्के फटाफट कट्टम भरवा दे। समझा समझा, भरना रही सुखा रही हूँ। अरे यार मोपा मम्मी ऐसे देखा ना जा रहा तुम गेहूं सुखा रही हो, बताइए यार। तो सारा माननी चाहिए, घर का जवान जवान बड़ा लौंडा होके तेरी बूढ़ी माँ काम कर रही है। बूढ़ी किसे कह रहा? ना ना बूढ़ी ना, इतनी बढ़िया माँ तेरी काम कर रही है, है? मैं होता तेरी जगह अब तक तो ब्याह कर लाता, बहू काम कर रही होती। मोपा भी ना देखा जा रहा, मोपा भी ना देखा जा रहा है कतई भी। मैं भी ना चाहता कि हमारी माँ काम कर रही हो गेहूं का और सब चीजन का, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बहू होवे, बहू वो काम करती हो या घर में। हाँ तो कर लेना, इतनी बढ़िया लड़की देख के आई तो को, वहाँ ना बीएससी कर रहा कि बीएससी है। तू देख अपने आप है दसवीं फेल, वो इतनी गोरी, तू कतई काला। वासु ब्याह हो जाता ना तो घर सुधर जाता घर। ठीक है तो करवा दो मेरा ब्याह, मैं मम्मी और परेशान ना देख सकता, मम्मी की पसंद मेरी पसंद। बता करूँ बग्गी वाले फोन? बेटा ब्याह तो तेरा इन्हीं चाड़न में हो जाता, वो तो लौंडिया भी बहुत पसंद थी, पर तेरे बाप के कर्म सुना हुआ। क्यों मम्मी पापा ने क्या कर दिया? तो ना पता तेरे बाप ने कोई कसर छोड़ी हुआ, सब दिन पे कैसे लट्टू हो रहे। ए नितिन देखियो मम्मी तुम्हें पता, बस या तुम्हारी गलत सोचने ही सब काम खराब कर रहे हैं। पापा तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं तुम जानती भी ना हो। तुम्हें पता पापा रो रहे अपने ब्रह्म अंकल के बैठ के, नू कह रहे तेरी मम्मी ने मुझसे पांच दिन से बात ना करी है, वो रोटी भी ना देती, उन्हें इतनी याद आ रही है तुम्हारी। अगर वो तुमसे प्यार ना करते होते तो मैं छोड़ ना दिया होता, हम ऐसे इतने बड़े हो गए होते। नितिन बताइए यार, झूठ थोड़ा कम बोले कर। ना मम्मी झूठ नहीं बोल रहे, सही कह रहा हूँ, अभी आए हम पापा द्वारा से, बहुत रो रहे हैं वहाँ बैठ के। मैं जानू थारे बाप है, ऐसा तो कभी ना कर सकता। सही में मम्मी अपनी होने वाली बहू की कसम खा रहा हूँ। मेरी तो अभी बहू आई भी ना, मैं तो वहाँ की कसम खा रहा हूँ, कितना प्यार कर रहे हैं पापा तुमसे। मोपन देखा जाता इतना दुख यार, हमारा पापा परेशान है, पापा की बहुत इच्छा की हमारी शादी वहीं से होनी चाहिए। आंटी जय लोग तो झूठी बोल सकत, लेकिन हम झूठी नहीं बोल रहे, अंकल सच में इतने परेशान है कि उन्हें देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए। पापा की बहुत इच्छा है नितिन भाई का ब्याह वहीं होना चाहिए। कोई बात ना, अगर मम्मी पसंद ना हो ना तो मैं कतई भी ना करने का हूँ, कतई भी ना करूँ मम्मी का घर से रिश्ता, दिक्कत मत लो अब तुम। चल भाई रुक।
रुक जाओ। बंसी फोन कर दे रही हूँ, रिश्ता पक्का कर देगा। भाई हनीमून की तैयारी कर ले। बर्फ पर जाऊंगा। राम राम जी। दोस्तों कैसे हो सारे के सारे? आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल नहीं पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि लास्ट की जो दो वीडियो है उन पे आप सबने इतना ज्यादा प्यार दिखाया, इतने ज्यादा व्यूज, लाइक, कमेंट आप सबके, कि लगातार इस भैया सीरीज को थोड़ा आगे खींचो, इसलिए ये पार्ट 3 आप सबके सामने आ चुका है। और अगर इसका पार्ट 4 चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, पार्ट 4 भी इसका तैयार है। सस्पेंस क्यों खोल ले हो यार, पहले पार्ट 3 पे इन्हें कहने की जरूरत है कि भाई पार्ट 4, तो पार्ट 4 के लिए कमेंट करो। अगर आपके कमेंट बहुत ज्यादा हुए तो हम पक्का बनाने वाले हैं पार्ट 4, फिर आगे की आपको शादी की तैयारियां दिखाएंगे। और दोस्तों बाकी पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, डाउनलोड करें ऑक्टा ट्रेडिंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और अपना डिपॉजिट डबल करना हो तो मेरा प्रोमो कोड मृतुल यूज कर लेना, आपका डिपॉजिट भी डबल हो जाएगा। और बाकी हम सबके इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां भी आ जाओ। इंस्टाग्राम पर बेहतरीन बेहतरीन सुंदर सुंदर आपको रील्स दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं और नए नए वीडियोज के अपडेट देते रहेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें। राम राम।